नमस्कार दोस्तों, रॉक और जेवर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाले हूँ यहाँ पे यूनिवर्सल थीम स्टोर के बारे में। यहाँ पर दोस्तों जो यूनिवर्सल थीम स्टोर है वो फाइनली रियलमी के सभी डिवाइस के लिए रोल आउट होना चालू हो चुका है। अब मेरे पास भैया है यहाँ पे रियलमी C3। अगर आपके पास कोई दूसरा स्मार्टफोन है तो प्लीज़ एक बार जाकर चेकआउट करो, और अगर आपके फ़ोन में यूनिवर्सल थीम स्टोर दिखा रहा है तो प्लीज़ यार मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास थीम स्टोर वर्जन 6.5.0 इंस्टॉल नहीं है तो जल्दी से जाकर 6.5.0 या फिर उसके ऊपर वाले वर्जन को इंस्टॉल कर लो, क्योंकि अगर आप 6.4.3 में या फिर 6.2 वगैरह में हो तो आपको यूनिवर्सल थीम्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। अब बात है जी भैया यूनिवर्सल थीम्स को कैसे सर्च करना है। तो सबसे पहले आप अपने थीम स्टोर को ओपन कर लो, उसके बाद में ऊपर आपको सर्च बार मिल जाएगा, यहाँ पे जाके आपको सर्च करना है ऑफिशियल यूनिवर्सल थीम। अब जैसे ही आप इसको सर्च करोगे आपके सामने काफी सारे थीम्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जाना है थीम्स वाले ऑप्शन में, उसके बाद में आपको बस थोड़ा सा नीचे जाना है, उसके बाद में आपको मिलेगा मेटल स्पेस। अब मेटल स्पेस के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्लस का बटन आ रहा है, मतलब प्लस ऐसे बना हुआ है। तो अभी आप और नीचे चले जाओ, आपको ऐसे काफी सारे और थीम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे भी प्लस का बटन आ रहा है। इसके अलावा अगर हम जाते हैं थोड़ा सा और नीचे तो यहाँ पे आप देख पाओगे द चेंबर ऑफ पता नहीं क्या है, इसके ऊपर भी प्लस बना हुआ आ रहा है। उसके बाद अगर हम जाते हैं और नीचे तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लेम्स ऑफ वार। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे 11 वुड्स का भी एक ऑप्शन आ रहा है। फिलहाल हम इसी थीम को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम डाउनलोड फॉर फ्री पे लगा देते हैं। वैसे भी यहाँ पे जो यूनिवर्सल थीम्स है ना वो सभी के सभी पेड है, बस मुझे 11 वुड्स ही मतलब फ्री नजर आया। मुझे अगर इसके अलावा और भी फ्री यूनिवर्सल थीम नजर आते हैं तो इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा। और अभी यहाँ पे फिलहाल जो 11 वुड्स है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसके ऊपर अगर हम करते हैं अप्लाई तो आप देख सकते हो जो थीम है वो अप्लाई होना चालू हो चुका है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करते हैं और यहाँ पे भैया सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो वॉलपेपर है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है और जो आइकन्स है वो भी चेंज हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको नोटिफिकेशन पैनल दिखाऊंगा तो यहाँ पे भैया अभी आप देख पा ही रहे हो कि जो नोटिफिकेशन पैनल है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप देख लो फुल नोटिफिकेशन पैनल। इसके अलावा अगर हम जाते हैं सेटिंग्स पे तो देख सकते हो जो सेटिंग्स है ना वो भी कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। यहाँ पे अगर हम जाते हैं अबाउट फोन पे तो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे जाता हूँ मैसेजिंग वाली ऐप पे तो आप देख सकते हो मैसेजिंग वाली जो ऐप है वो भी कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ डायलर पे तो वो भी कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। बात करते हैं रिसेंट इंटरफेस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिसेंट इंटरफेस मतलब जो रिसेंट टास्क वाले इंटरफेस है मतलब मल्टी टास्किंग वाले मोड जिसको आप बोलते हो वो भी कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। मतलब कि यहाँ पे कम्प्लीट जो आपकी फ़ोन की जो थीम है वो चेंज हो चुका है। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल थीम्स, जो कि MIUI में मतलब बहुत पहले से अवेलेबल है। लेकिन फाइनली यहाँ पे रियलमी के थीम स्टोर पे भी यूनिवर्सल थीम्स आ चुका है। तो अभी आपको बस करना क्या है, देखो थीम स्टोर में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है ऑफिशियल यूनिवर्सल थीम, उसके बाद में थीम्स में जाके आपको जो भी थीम्स के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर की तरफ प्लस का मतलब प्लस ऐसे बना हुआ लिखा हुआ आ रहा है तो समझ जाना कि वही है यहाँ पे यूनिवर्सल थीम। बस उसको डाउनलोड करो, ट्राई भी करो, या फिर अगर फ्री वाले हैं तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और यूनिवर्सल थीम का फायदा अभी आप यहाँ पे रियलमी के फोन्स पे ले पाओगे। तो यही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा कर उस ऑल वाले बटन पे भी क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, हमेशा स्मार्ट रहिए।